पंजाब के शहर अमृतसर में पेश आए जानलेवा हादसे पर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि जिस जगह दशहरा त्यौहार का इनेकाद किया जा रहा था वो जगह रेलवे ट्रैक की बिल्कुल करीब नहीं था बल्कि धोबी घाट के मकाम पर उस तकरीब का इनेकाद हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि उस तकरीब में कुर्सियां बिछी हुई थी और लोग आकर बैठ रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि 4-5 दफा इंतजामिया की जानिब से ऐलान भी किया गया था कि लोग अंदर आकर कुर्सियों पर बैठ जाएं, मगर लोग ऊंची जगहों पर खड़े होकर उस तकरीब का वीडियो बना रहे थे। जो दशहरे जहां पे मनाना था वो रेलवे की प्रॉपर्टी में नहीं था, वो धोबी घाट में था और धोबी घाट के आसपास सराउंडिंग वॉल है और वहां का दरवाजा भी खोला नहीं गया ताकि लोग दूसरी तरफ से अंदर आए। अंदर इतना इंतजाम था कि खाली कुर्सियां पड़ी थी, लोग आके देख सकते थे। रावण को आप देखते तो पूरी रस्सियों से बांधा हुआ था और रावण थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिला कि ऐसा कोई इंसिडेंट होता कि लोग भाग के उनके ऊपर गिर रहा है। भगदौड़ में कुछ नहीं हुआ, मियर एक्सीडेंट था जिसमें लोग रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे थे। वहाँ पे जैसे बना रहे थे वीडियो बनाया करे देख रहे, क्या वहाँ से अनाउंसमेंट हो सकती थी? 5 बार चार्जो मैंने अभी पूछा क्योंकि मैं तो 10 मिनट के लिए आई, स्पीच दी और कर दिया, पर कहते 4-5 बार आपको वीडियो क्लिपिंग्स मिल जाएंगी। 4-5 बार अनाउंसमेंट की गई कि अंदर दशहरा है, आप प्लीज वहाँ सारा विकेट करके, यहाँ पे मुझे अभी लोग भी बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला कि आप धोबी घाट के अंदर आके बैठी है, वहाँ पे कुर्सियां लगी हुई है, आराम से यहाँ पे देखिए। पर लोगों को होता है कि ऊंची जगह से थोड़ा, क्योंकि उस साइड के लोग जो आए वो उसी साइड रह गए।